हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग RX चैनल। और आज फिर से खेलेंगे फार्मर सिमुलेटर 19। तो भाई, मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो आज भी भाई पूरा मन नहीं था यार वीडियो डालने का, क्योंकि अभी काम से भाई थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम करेंगे भाई फर्टिलाइजर। तो ये अपनी शॉप यहाँ लगाते हैं। आपको बताइए, मैंने यार शॉप डिलीवरी वाला मोड यूज़ किया है, जिससे आप कहीं भी अपनी डिलीवरी कर सकते हो, कहीं भी डिलीवरी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जहाँ मर्जी। ठीक है, तो अभी खाद की भाई वो कर लेते हैं बाय फर्टिलाइजर। तो मेरे ख्याल से इस साइड होगा। तो ये फर्टिलाइजर के बैग, ये तकरीबन 2 भाई बाय कर लेते हैं। लो, ये आ गया। यहाँ देखो, तो इसका भाई एक्स्ट्रा पैसा लगता है। अगर आप घर पे मंगाना चाहते हो तो कुछ $5-10 लगते हैं, जगह के हिसाब से, स्टोर कितनी दूर है तो उसी हिसाब से वो पैसे लगते हैं। तो आज हम जो ट्रैक्टर यूज़ करेंगे वो करेंगे न्यू हॉलैंड। एक मिनट यार, इसका सिस्टम बंद करना पड़ेगा। यार कहाँ से होगा ये? चलो हो गया होगा। चलो, तो अभी फर्टिलाइजर वाली भाई मशीन देखनी पड़ेगी, ये रही मेरे ख्याल से। तो काफ़ी बड़ा भाई मशीन है, ये ट्रेलर वाली मशीन है। लो, ये फर्टिलाइजर वाली नहीं, मेरे ख्याल से ये स्प्रे है। मेरे ख्याल से भाई हमने बाय नहीं की है फर्टिलाइजर वाली मशीन। एक मिनट देखने दो, वो तो स्प्रे है यार। ये दोनों स्प्रे है भाई, स्प्रे भी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने जो फसल लगाई है भाई, तो उसमें करते हैं फर्टिलाइजर। मेरे ख्याल से ये फर्टिलाइजर, तो ये सबसे छोटा सही रहेगा। ज़रूरत पड़ेगी लेके चले जाएंगे घर से यार। वैसे यार फूल जब हो जाएगा मेरे ख्याल से निकल जाएगा अपने सभी खेत से। लो भाई, अटैच हो चुका है इसके साथ। तो अभी इसमें खाद नहीं है, खाद डालनी पड़ेगी। ये देखो, इसमें बिल्कुल भी खाद नहीं है। तो लो भाई, फिल कर लेते हैं इसको। लिफ्ट के यार इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है यार। देखो, एक बोरी आ गई भाई इसमें तकरीबन, एक और बोरी आ जाएगी। पर चलो, हम इससे ही कर लेते हैं यार। इसका भाई कुछ सिस्टम सही नहीं चल रहा है। तो इसके भाई हम ऐसा करते हैं इसमें कर लेते हैं हम गियर शिफ्टल, गियर वाला सिस्टम करते हैं इसमें। तो जैसे हाई लो इसका सब कुछ यहाँ से आप कंट्रोल सकते हैं भाई। 5 गियर है इसमें, और हाई लो चाहते हो तो ठीक है, हाई लो भी। तो भाई ये मोड का नाम यार मुझे नाम याद नहीं है, तो मैं देख के बता दूंगा। ऑटोमेटिक गियर, तो अभी ये काम करेगा भाई गियर। जैसे अभी ट्रैक्टर का जो गियर है वो लो का पहला है भाई। इसकी स्पीड है जो 10 के तकरीबन है, ये देख लो इतनी स्पीड में चलेगा अभी। ये पहला लो है अभी, ये लो दूसरा लो लगा है अभी। हाई भी लग जाएगा, ये हाई चौथा हाई लगा भाई। देखो साइड में आपको मीटर में दिख रहा होगा भाई। ट्रैक्टर भी बंद हो गया, तो भाई ट्रैक्टर बंद हो गया चौथे हाई में। पता ही है भाई बंद होगा ये अगर ऐसे नहीं दोगे। तो इसको कम कर लेते हैं गियर को, पहला हाई। तो भाई 24 की स्पीड में भागेगा ट्रैक्टर। तो ये क्लच भी है भाई इसका, ये भी मैंने क्लच दबा के रखा है। एक मिनट दिखाऊँ, इस वक्त भाई पहले हाई पे है ट्रैक्टर।
इस वक्त क्लच को दबाया और रेस दी है, गियर पहले हाई में, अभी क्लच छोड़ूंगा। लो सब देख सकते हैं भाई, मीटर लगा हुआ साइड में। एक मिनट, इसकी सेटिंग भाई बहुत ज़्यादा है यार, अपने को इतना मालूम नहीं है भाई। चलो चलते हैं भाई फील्ड में। तो ये पहला हाई, ये दूसरा हाई, अभी दूसरे हाई में चल रहा है 32 के किलोमीटर में भाई। अभी ये तीसरा हाई, तो तीसरे हाई में सही है भाई, तीसरे हाई में ना, जब भाई कंट्रोल में भी रह गया यार। ये देखो देखो भाई, जितनी तेज आगे को चलेगा उतनी तेज भाई पीछे को चलेगा। ये देखो भाई, दूसरे हाई में चल पड़ा, अभी तीसरा हाई, चौथा हाई, बस चार गियर का सिस्टम रखा है हमें। आप 10 का भी रख सकते हो, 12 तक मैक्सिमम। तो इसको फर्टिलाइजर करेंगे हम दूसरे हाई के गियर में भाई। इसमें तोरा ट्रैक्टर का बहुत ज़्यादा यार, तोरा। चलो भाई, पहला हाई डाल दिया मैंने, पहले हाई में करेंगे भाई। देखो फर्टिलाइजर भाई कितनी जबरदस्त तरीके से हो रहा है, थोड़ा सा भाई खेत में से बाहर जा रहा है। तो फर्टिलाइजर हमने पहले कर देना था भाई, हमारा सीडर में फर्टिलाइजर का सिस्टम नहीं था, इसी वजह से खेत का भाई सत्यानाश हो जाता। नहीं तो अभी स्प्रे भी करेंगे कुछ टाइम बाद। तो पहले हाई में इसकी यार भाई, जिसको बोलते टॉर्क, टॉर्क बहुत ज़्यादा यार, गेड़ा बहुत ज़्यादा इसका, न्यू हॉलैंड का। इसका दूसरा लगाते हैं यार, अभी भाई इसका आरपीएम टूट रहा है न्यू हॉलैंड का, देखो अरे आरपीएम नहीं पकड़ रहा है पूरा ये। इसकी रेस को बढ़ाते हैं। ओ भाई बंद हो गया, बंद हो भाई, दूसरे हाई में बंद हो रहा है ट्रैक्टर, पता नहीं भाई खाली में। एक मिनट, साउंड को ज़्यादा कर देता हूँ। देखो भाई दूसरे हाई में ट्रैक्टर अपना चल नहीं रहा, एक मिनट फिर से दिखाऊं। अभी रेस पूरी दी है भाई, क्लच दबाया अभी छोड़ूंगा, अभी चल पड़ा है। रेस को कम ही कर लेते हैं भाई, हाथ वाली रेस को, पैर वाली रेस देते हैं यार भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है इस वजह से यार। देखो भाई दूसरे हाई में गेड़ा, देखो भाई ट्रैक्टर का चाल, देखो कितनी जबरदस्त ट्रैक्टर की, पर आरपीएम पकड़ नहीं रहा है भाई। रेस मैंने पूरी दबा के रखी है, 32 का गेड़ा होना चाहिए, पर इस वक्त भाई वो पीछे पीटीओ से काम चल रहा है, इस वजह से मेरे ख्याल से स्पीड नहीं पकड़ रहा है। रोड पे देखेंगे इसकी स्पीड। लो लो ये भाई दूसरे हाई में घूम गया ट्रैक्टर, ये बंद हो गया था, बच गया भाई। लो भाई इस खेत में तो पूरा एकदम, जब देखो अभी कैसे भागेगा, दूसरा हाई है इस वक्त भाई। लो तीसरा, चौथा, अभी चौथे में करके देखते हैं, चौथे हाई में स्प्रे। अभी भाई चौथा हाई डाला मैंने, ये नहीं भाई, चौथे हाई में थोड़ा सा ज़रा फिर आते हम तोड़ रहा है ट्रैक्टर। ये देखो पकड़ लिया भाई रेस, पकड़ ली रेस, पर लग रहा है भाई आरपीएम तोड़ देगा।
ये भाई इस वक्त चौथे हाई में चल रहा है, चौथे के हाई में। रेस कम करूंगा तो भाई आरपीएम टूट जाएगा ऑटोमेटिक। क्लच दबा दबा के चला रहा हूँ भाई, तो बंद हो जाएगा इसका इंजन। ये तो भाई क्लच दबा दिए मैंने। तो गियर भाई आप साइड में देख सकते हैं, एच लिखकर और चार नंबर लिखा होगा देखना, तो ये हाई चौथा है भाई। तो लो में डालूं तो इसको ये लो भाई चौथे लो में चल रहा है इस वक्त। तो इसका आप चाहते हैं तो भाई मीडियम भी बना सकते हो, गियर मीडियम भी है इसमें, मीडियम वाला ऑप्शन भी है। न्यूजीलैंड का भाई हम मीडियम नहीं रखेंगे, मीडियम में काम ख़राब हो जाता है। चौथे के लो में भाई आरपीएम भी सही है और ड्रॉप नहीं कर रहा ट्रैक्टर अपना। तो उसका टर्बो लगाने से भाई इसकी परफॉर्मेंस बढ़ चुकी है थोड़ी सी। अभी रोड पे देखेंगे भाई कितने में रेस पकड़ता है ये। ये अपना भाई खत्ता जो कंप्लीट हो चुका है लो, ये थोड़ा सा रह गया भाई कोना। तो अपने दो खेत रह गए यार, छोटे छोटे ही हैं। तो अभी चौथा लो डाला भाई, चौथा लो, ये चौथा हाई। तो कम कर लेते भाई, भागेगा नहीं। ये पहला हाई, ये क्लच दबाया, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई। अभी क्लच दबाया भाई, चौथा हाई, टॉप गियर में डाल दी ट्रैक्टर। देखते हैं भाई आरपीएम कितनी जल्दी पकड़ता है ये। 50 की स्पीड बता रहा है भाई, 50 की स्पीड में भागेगा चौथे हाई में। तो रोड में आने के बाद भाई इसको स्टार्ट करके चौथे के हाई में चला के देखते हैं, क्लच दबा देते हैं और देखते हैं भाई चलता है कि नहीं। थोड़ा सा और आगे, ठीक है भाई, चौथा हाई गियर है इसमें भाई, क्लच दबा रखा है मैंने। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अभी दबाया भाई क्लच मैंने, और कुछ दबाया, ये दबा दिया भाई, एक दो तीन भाई पकड़ ली इसने रेस। और बिल्कुल मतलब कि लोड नहीं लिया, थोड़ा सा लिया था भाई, और टॉप गियर में जा रहा भाई अपनी फुल स्पीड में। चौथा हाई भाई, चौथा हाई गियर, थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे तो भाई देखते हैं फिर से आरपीएम पकड़ता है उतना कि नहीं। तो भाई फिर से उसने आरपीएम पकड़ लिया, इस बार थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लगा के देखते हैं भाई। बिल्कुल आरपीएम नहीं तोड़ रहा है ट्रैक्टर। टर्बो का भाई देखो कितना मतलब कि पावर है भाई टर्बो में, देखो। पहले भाई चौथे हाई में नहीं चलता था ट्रैक्टर भाई, बहुत मुश्किल से भाई रेस वगैरह क्लच दबा के निकल फिर भाई चलता था। मतलब कि खाली बोल रहा हूँ भाई, खाली नहीं सॉरी, खड़े खड़े बोल रहा हूँ। वैसे तो भाई हर ट्रैक्टर चलेगा, मैं खड़े की बात कर रहा हूँ भाई, खड़ा जब होता ना। अभी गियर भाई चेंज करना पड़ेगा इसका, पहला हाई लगा लेते हैं यहाँ पे, और ये कर दिया हमने ऑन। तो ये खेत में एक बार ही हो जाएगा क्या? नहीं यार, एक साइड रह गया, तो एक बार साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो पहला हाई गियर डाला है भाई, तो गियर सिस्टम मैंने भाई सब कुछ लगा दिया अभी यार ट्रैक्टर में। अब देखते जाना भाई, गियर के बिना, गियर के वैसे कितना डिफरेंस आता है ट्रैक्टर की पावर पे, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। अब ये हर एक ट्रैक्टर में इंस्टॉल कर सकता हूँ गियर मोड अपने हिसाब से, कितने गियर चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए। तो मैं ओरिजिनल करूँगा भाई, जैसे ओरिजिनल ट्रैक्टर होते हैं उनकी स्पीड पहले हाई में इतनी होती है, दूसरे में इतनी, तो उसी हिसाब से करेंगे। अब भाई इसका पहला हाई है, पहला हाई, अभी देखते हैं। ये क्लच दबाया,
छोड़ा भाई क्लच। आरपीएम थोड़ा सा ड्रॉप होता है इसका, ज़्यादा नहीं भाई। इतना तो चलता है भाई, नॉर्मल ट्रैक्टर लेते हैं भाई। पर पहले इसका आरपीएम काफ़ी ज़्यादा यार ड्रॉप हो जाता था भाई इसका। भाई इसका पंप ही ऐसा है यार जो साउंड करता है ये, अब वो रहे भाई साउंड अजीब करता है। अब इसको करते हैं बंद और देखना भाई अब कैसे इसकी रेल बनाता हूँ मैं। पहला है, दूसरा है भाई, देखो दम तोड़ रहा है बीच बीच में क्योंकि बेट है इसमें। अब तीसरा है, अब चौथा भी डाल देते हैं भाई। तो भाई मैं जब भी ट्रैक्टर के गियर डालता हूँ तो पहला और सीधा चौथा डाल देता हूँ भाई। अपना 855 खेत में खड़ा, देखो तो इस खेत को भाई हमने यार हैरों के साथ भाई किया था कल्टीवेटर, तो हो चुका है भाई ट्रैक्टर मेरा यहाँ पर है और हैरों भाई ले गया था मैं, इसको भी लेके जाना पड़ेगा घर में। देखो भाई टॉप में टॉप गियर में चल रहा है ट्रैक्टर। अभी ट्रॉली के साथ देखेंगे भाई एक बार घर जाके किया, मतलब कि चौथे हाई में खींचता है कि दम तोड़ देता है भाई। फिर 855 का करेंगे भाई नॉन टर्बो का। तो एक छोटा सा खेत है उसमें अपनी जो भी यार खाद है ये सब आ जाएगी मेरे ख्याल से, अगर कम पड़ेगी ज़्यादा पड़ेगी तो बाई नहीं करें। देखो भाई अभी चौथे हाई में मैंने रेस को दबा के रखा है, ट्रैक्टर जो भी कम कर रहा है रेस खुद कर रहा है ऑटोमेटिक, इंजन पे जो जोर पड़ रहा है भाई जितनी उसकी पावर है। तो अपना भाई फील्ड आने वाला है यहाँ पे, यहाँ पर यार पानी वगैरह रहता है। अभी देखो भाई इसका चौथे गियर में रुका, अभी चौथे गियर में चलाएंगे इसको। देखो देखो भाई बंद होने वाला था भाई, मैंने इसकी क्लच दबा दी। देखो भाई अभी चल नहीं रहा चौथे के हाई में, अभी चल पड़ा, मोशन बनना चाहिए भाई ट्रैक्टर का बस। अभी देखो कैसे भागेगा, ये आ गया अपना खेत, यही है ना। अरे यार भाई मैं खेत खेत भी भूल गया, ये नहीं है भाई इसका आगे वाला है, ये ऐसे ही चल 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 चल। अभी भी चौथा है भाई इसका, चल हो गया बंद। एक मिनट भाई, कैमरे का साइज कुछ ज़्यादा ही भाई छोटा लग रहा था। तो लो भाई फर्टिलाइजर कर दी हमने ऑन, और अभी भी गियर भाई चौथा हाई है, मैंने सोचा उतर आई है भाई चल पड़ेगा, चल पड़ा। 20 की स्पीड में भाई, 20 की गियर कम कर लेते हैं यार इसके, पहला हाई लगाते हैं यार। बस भाई पावर चेक करनी है ट्रैक्टर की और कुछ नहीं, क्योंकि टर्बो लगाने के बाद भाई गियर सिस्टम था नहीं हमारे पास, तो अभी गियर सिस्टम इंस्टॉल किया है तो अभी पूरी पावर का पता चलेगा इसका। ये देखो भाई पैरों की टॉर्क इतनी ज़्यादा ना, देखो भाई स्किड कर रहा ट्रैक्टर। तो एक गेड़ा और लग जाएगा अपना, हाँ भाई लग जाएगा, और माल बचा है भाई काफ़ी है, बंद कर लें कवर को। अभी भाई थोड़ा सा धीरे कर लेते हैं ट्रैक्टर को, अभी
अभी थोड़ा सा हम घर जाएंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे भाई, ट्रॉली के साथ देखेंगे पहला हाई दूसरा हाई लगा के, तो देखते हैं कौन सा ट्रैक्टर भाई खींचता है। लो भाई सभी कवर कर दिए यार स्प्रे ने। यार एक बार फिर से जो भी है भाई बीच में बची उसको भी ख़त्म कर ही लेते हैं, तो ए टू जेड तो ख़त्म नहीं होगी। इसका लगाते हैं दूसरा हाई। चल रहा है भाई, चल रहा है ट्रैक्टर आराम से, चल रहा है दूसरे हाई में, चढ़ाई है इस वजह से थोड़ा सा, जो कि आरपीएम ड्रॉप कर रहा है इतना, मतलब कि 1500 आरपीएम से 1000 आरपीएम पे आ गया था, अभी उतने में चल रहा है, तो अभी इसको बंद करते हैं। लो भाई ये डाला तीसरा, ये चौथा है, कोई आरपीएम ड्रॉप नहीं भाई। मोड़ आ गया भाई, मोड़ आ गया। यार इसका भाई गियर चेंज करने का यार प्रॉब्लम बहुत है, इसलिए भाई मैं सोचता हूँ चौथे गियर में रुका, चौथे में चल पड़े, तो लो चढ़ पड़ा भाई चौथे हाई में। तो इसकी स्पीड 30 की होती है मेरे ख्याल से ओरिजिनल, पता नहीं न्यू हॉलैंड की, तो मैंने बढ़ाई है भाई इसकी इंजन पंप वगैरह चेंज करवा के 50 की स्पीड है भाई, 50 की भी मुझे कम लग रही है यार स्पीड ट्रैक्टर के हिसाब से, पावर के हिसाब से। तो अभी ट्रॉली अपनी भरी है भाई, उसको थोड़ा सा चढ़ाई में चढ़ा के देखते हैं कितना, मतलब कि आरपीएम ड्रॉप करता है अपना ट्रैक्टर, क्योंकि मैंने बोला था आपको भाई इसकी भी टेस्टिंग करेंगे हम, क्योंकि इसमें टर्बो लगाया था पहले, तो भाई इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन थी यार ट्रैक्टर की। ये ओ भाई हो गया भाई सीधा, तो भाई चौथे हाई में गिरा, चौथे हाई में नहीं नहीं चला, अभी तो भाई हिल नहीं रहा है बिल्कुल, दूसरा हाई। तो इसमें मीडियम सिस्टम भी है भाई, मीडियम सिस्टम करना चाहते हैं तो मीडियम भी करेंगे, रुको अभी मैं मीडियम करके बताऊंगा आपको। तो जितने हैं भाई चौथे हाई में अगर आप आगे रखोगे तो उतने भाई पीछे भागेगा, मतलब कि जितनी स्पीड में आगे भागेगा उतनी स्पीड में पीछे भागेगा ट्रैक्टर। पहला हाई दूसरा हाई, ओ ओ भाई। तो अभी हम ट्रॉली के पास चलते हैं और इसका मीडियम वाला भी गियर लगाते हैं भाई, मीडियम भी होता है इसमें, मीडियम गियर होता है वो, ऑटोमेटिक ही भाई एडजस्ट हो जाता है कि ट्रैक्टर कितनी स्पीड में चलेगा, तो हर एक गियर में चला के देखेंगे क्या परफॉर्मेंस देता है और लोड करेंगे भाई इसमें बीट। दूसरा हाई है भाई, दूसरे हाई से मैंने निकाला नहीं, ये लग गई ट्रॉली, ठीक है अभी डालते हैं इसमें बीट। ये दोस्तों देख लो बीट है, अभी गियर है दूसरा हाई, तो लो भाई दूसरे हाई में ट्रॉली बिल्कुल भरी हुई खींच दी, पर भाई मैदान पदरा था भाई, पदरा पदरा मैदान, एकदम समतल मैदान है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है भाई। अभी भी दूसरा हाई गियर है इसमें, अभी लगा देते हैं तीसरा, अभी रोक लेते हैं भाई इसको, तो धीरे धीरे तीसरा हाई गियर है भाई इसमें, तीसरा हाई डाला मैंने, लो भाई तीसरे हाई में इंजन बंद होने वाला था, अभी भी तीसरा हाई है इसमें, भाई इंजन बंद हो रहा है तीसरे हाई में, हम ऐसा करते हैं दूसरा हाई लगा देते हैं, ठीक है ज़्यादा भाई इसके साथ।
दूसरा ही गियर है भाई, अभी देखते हैं क्या कर रहा है ट्रैक्टर अपना। भाई दूसरे हाई में भी ट्रैक्टर जो बंद हो रहा, भी पहला हाई। थोड़ा सा भाई इसका मोशन बनाना पड़ेगा यार, ये पहला हाई लगा दिया, अभी देखते हैं। अभी भाई क्लच नहीं दबाऊंगा मैं, देख लो भाई ट्रैक्टर में सच में जो पावर होती पहले हाई गियर में होती, देख लो। तकरीबन दूसरे हाई में भी यार खींच लेना चाहिए था ट्रैक्टर को, पता खींचा नहीं यार इसने दूसरा हाई में, तो यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं भाई। इस वक्त पहला हाई गियर डाला है, उसमें भी भाई खींच गया खींच गया खींच गया, तो दूसरा हाई। चलो भाई दूसरा हाई, अभी पहला हाई डल गया यार, अभी दूसरा हाई डला है। एक दो, अरे दूसरा हाई भाई, ये बैग गियर कैसे डल गया यार इसका। अच्छा भाई मैं बैग वाला बटन दबा रहा हूँ यार, इसलिए ट्रैक्टर बैग जा रहा है भाई। थोड़ा सा आगे कर लें, इस वक्त क्लच दबा के रखा है, तो ट्राई करूँगा भाई इसका क्लच दबा दबा के चढ़ाऊँ। तो अभी स्टार्ट करता हूँ दूसरे हाई में, एक, अरे यार ये चल नहीं भाई, दूसरे हाई में नहीं खींच रहा है अपना। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, इसका मीडियम वाला सिस्टम बताया था आपको मैंने, मीडियम वाला सिस्टम दिया भाई, मीडियम गियर भी बन जाएगा इसका, नंबर वाइज के चेंज करने पड़ेंगे। तो मीडियम दूसरा भाई इसका, मीडियम का दूसरा, देखो भाई बिल्कुल आरपीएम ड्रॉप नहीं कर रहा है। मीडियम का चौथा भाई, चौथा मीडियम में नहीं चल रहा भाई ट्रैक्टर, ये देख लो बैक सही चल रहा है। अभी थोड़ा सा इसकी भाई स्पीड भी बना लेते हैं, मोशन वगैरह भी। ये लो भाई मोशन बना के गियर कम करना पड़ेगा, तीसरा मीडियम दूसरा हाई भाई, तीसरा हाई। तो ठीक है यार परफॉर्मेंस तो ठीक है भाई ट्रैक्टर की यार, इतनी मतलब कि पावर लग रहा है भाई कि ये 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है अपने हिसाब से। तो भाई अब इतनी भी भाई हम नहीं बोलेंगे कि यार कि बेकार ट्रैक्टर है, ठीक है पावर के हिसाब से भाई, टर्बो वगैरह हिसाब से। तो यही था यार मैंने बताना था भाई आपको, गियर सिस्टम भी इंस्टॉल किया और अपना जो खाद वाला काम था वो भी कर दिया। तो मिलते हैं यार जल्दी भाई एक और नई वीडियो लेके, तो तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम।